हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारे केरला ट्रिप के डे 7 एंड डे 8 का वीडियो है एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ आवर केरला ट्रिप सीरीज। जैसा कि मैंने डे 6 के वीडियो में बताया था कि हम नाइट में ही मुनार पहुंच गए थे, तो डे 7 में हम लोग थे मुनार में। और यदि आप मुनार जा रहे हैं तो आप वहाँ कौन कौन से प्लेसेस देख सकते हैं एंड क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। यदि हम मुनार की बात करें तो ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां आप 2 से 3 दिन का भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। हम लोगों के पास टाइम का शॉर्टेज था तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही दिन यहाँ पर स्पेंड किया एंड सेम डे हम लोग कोयम्बटूर निकल गए थे। यदि आप 2 से 3 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। डेवन में आप मुनार एंड आसपास के साइट्स को विजिट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप जा सकते हैं फोटो पॉइंट पे, जो कि मेटुपट्टी रोड पर आता है एंड जो मुनार से है 4 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे एंड इसका टाइमिंग है 6 AM to 6 PM। इसके बाद आप जा सकते हैं मेटुपट्टी डैम पर, जिसका डिस्टेंस है मुनार से 10 किलोमीटर्स एंड यहाँ पर बोटिंग भी कराई जाती है, जिसका टाइमिंग है 9 AM से 5:30 PM। यहाँ आप बोटिंग के साथ साथ मुनार के टी गार्डन्स की ब्यूटी का भी मज़ा ले सकते हैं। सेम डे में आप इको पॉइंट पर जा सकते हैं, जो कि मुनार से 15 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट प्लेस टू विजिट इन मुनार। और यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं, कोई एक लेक है वहाँ पर जहाँ पर बोटिंग कराई जाती है। इसके बाद यदि आपको ट्रैकिंग एंड कैंपिंग टाइप की एक्टिविटीज़ पसंद है तो आप जा सकते हैं टॉप स्टेशन पर। यह मेटुपट्टी डैम के और भी आगे आता है, अराउंड 32 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है मुनार से इसका। ये मुनार में बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं जहाँ पर ट्रैकिंग एंड कैंपिंग कराई जाती है। कुछ कंपनीज हैं जो ट्रैकिंग एंड कैंपिंग कराती हैं, आप यदि चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं डे 2 के प्लान पे। तो मैं आपको बता दूं, डे 2 में आप जा सकते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि मुनार से 16 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है और इसको विजिट करने के लिए लगभग आपको पूरा दिन या आधा दिन तो लग ही जाएगा। यहाँ के टाइमिंग्स हैं 8 AM से 4:30 PM और यहाँ पे 2 to 3 hours की सफारी भी कराई जाती है, तो आप सफारी का मज़ा ले सकते हैं यहाँ पर। जब आप मुनार से एराविकुलम नेशनल पार्क जाएंगे तो रास्ते में आपको कई वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे। इस पार्क को देखने के लिए लगभग आपको पूरा दिन लग जाएगा, तो डे 2 आपका इसी में चला जाएगा। अब चलते हैं हम डे 3 पर। डे 3 में आप जा सकते हैं टी म्यूज़ियम। ये टाटा ग्रुप का म्यूज़ियम है और इसका डिस्टेंस है मुनार से 3.5 किलोमीटर्स। इसके टाइमिंग्स हैं 10 AM से 4 PM। मंडे को ये क्लोज रहता है और इसकी एंट्री फीस है 75 फॉर एडल्ट्स एंड 35 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे आप टी प्लांटेशन, टी मैन्युफैक्चरिंग एंड बहुत सारी वैरायटीज़ देख सकते हैं टी की। इसके बाद आप जा सकते हैं रोज़ गार्डन। ये मुनार से 4 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है और इसकी एंट्री फीस है 30 रुपीज़ पर पर्सन और इसका टाइमिंग है 10 AM to 5 PM। यदि आपको रोजेस पसंद है एंड गार्डन्स का आपको शौक़ है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप वाटरफॉल्स देखने में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो डे 3 में आप वाटरफॉल देखना प्लान कर सकते हैं, जैसे लक्कम, अट्टुकल और भी बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर। बट व्हाट आई सजेस्ट, आप जब भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएंगे तो कोई ना कोई वाटरफॉल आपके रूट में आ जाएगा, तो आप स्पेशल उस पर जाने का प्लान ना करें, अपने रूट में ही जो रास्ते में आपके आएगा उसको विजिट कर लें। ये जस्ट आपको मैंने एक प्लान बताया है 2-3 डेज़ का मुनार में। यदि आपके पास टाइम कम है या सिर्फ 2 या 1 दिन का आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग कट शॉर्ट कर सकते हैं प्लेसेस को। और यदि आप ज़्यादा दिन का प्लान बना रहे हैं तो आप इसमें ट्रैकिंग या कैंपिंग भी ऐड कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं वहाँ जाकर। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास सिर्फ आधे दिन का टाइम था तो हमने वहाँ पर क्या किया। हम लोगों ने यहाँ अर्ली मॉर्निंग कोलुकुमलाई टी स्टेट में जीप सफारी की एंड यू वॉन्ट बिलीव, इट इज़ जस्ट ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस। कोलुकुमलाई टी स्टेट वर्ल्ड का हाईएस्ट एलिवेटेड टी प्लांटेशन है एंड इसका ट्रिप आपके लिए बहुत ही एडवेंचरस हो सकता है। इसका मुनार से डिस्टेंस है 32 किलोमीटर्स और यहाँ पर जीप सफारी कराई जाती है, जिसके चार्जेस अराउंड होते हैं 2000 रुपीज़ फॉर अ जीप और एक जीप में 4 से 5 लोग जा सकते हैं। यहाँ अर्ली मॉर्निंग जीप से टॉप पर ले जाया जाता है एंड यहाँ आप सनराइज़ देख सकते हैं, एलिवेटेड टी प्लांटेशन देख सकते हैं, जिसकी ब्यूटी आप देखेंगे तो आप इसे कभी भूल ही नहीं पाएंगे। इसी के साथ आप यहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, मैंने कुछ कंप्लीट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इवन आप जिस होटल में स्टे करने वाले हैं वो भी आपको जीप्स के डिटेल्स दे देगा।
पूरे ट्रिप पर आप जहाँ जहाँ भी होटल में रुक रहे हैं उनसे ही आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं, जैसे टैक्सी वालों का नंबर, किसी शो के टिकट्स, आसपास के प्लेसेस की इन्फॉर्मेशन, वो लोग हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। आप लोग बस निकल जाइए इस ट्रिप पर और सारी चीज़ें अपने आप मैनेज होती चली जाएंगी। इन वीडियोज़ में आपने देख ही लिया होगा कि मुन्नार के व्यूज़ कैसे थे। इवन आप रोड ट्रिप पर ही मुन्नार की ब्यूटी का मज़ा ले सकते हैं। आप जहाँ पे भी चलेंगे आपको चारों तरफ सिर्फ टी गार्डन ही टी गार्डन दिखेंगे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। अर्ली मॉर्निंग कोलिकुमलाई टी स्टेट के बाद हम लोग फिर से होटल आकर ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे कोयम्बटूर के लिए। यहाँ हमें जाना था ईशा योगा फाउंडेशन में। यदि आपकी लाइफ में योगा या मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो आप एक बार इस प्लेस पर ज़रूर जाइएगा, यह आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली दिस प्लेस इज़ फाउंडेड बाय सदगुरु। इट इज़ अ वॉलंटियर रन एंड इट इज़ इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द प्लेस फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू कैन गो एंड डेडिकेट योर टाइम टुवर्ड्स इनर ग्रोथ। एक्चुअली कोयम्बटूर इज़ लिटिल फार फ्रॉम केरला, बट इफ़ यू वॉन्ट टू गो यू कैन रीच देयर इन 5 आवर्स। इसका मुनासिब डिस्टेंस है 160 किलोमीटर्स और रात को 8 बजे ईशा योगा फाउंडेशन क्लोज हो जाता है इवनिंग में। वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आपको बता दूँ, वहाँ आपको एकोमोडेशन, फूड, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। इवन वहाँ पर आप कुछ दिनों के लिए रह भी सकते हैं एंड उनके योगा एंड ध्यान से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स चलते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरऑल दिस इज़ फॉर यूर मेंटल पीस। अकॉर्डिंग टू मी लाइफ में एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को मेंटल पीस रिक्वायर्ड है फॉर बेटर लिविंग। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें आप वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं एंड वहाँ के सारे फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। यहाँ हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, देन हम लोग नाइट में ही वहाँ से निकल गए थे। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी तो हम लोग रात में ही कोची पहुँचे एंड नेक्स्ट डे वी रीच दिल्ली। इट इज़ आवर एंड ऑफ जर्नी। आप लोगों को केरला वाले वीडियोज़ बहुत पसंद आए। थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सपोर्टिंग ममाज वे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी न्यू डेस्टिनेशन पर। यदि आपको ज़िंदगी जीनी है तो कीप ट्रैवलिंग। हैप्पी लाइफ, हैप्पी ट्रैवल, टेक केयर, बाय बाय।